गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास बेटा, आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 7 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। ठीक है, देखो पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लें। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी सीरीज। कहते हैं कि फर्स्ट 22 टर्म्स का सम फाइंड करके दिखा दो। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। गिवन है हमारे पास कॉमन डिफरेंस इज 7। गिवन कॉमन डिफरेंस इज 7 एंड 22nd टर्म ऑफ एन एपी इज 149 इज इक्वल 149। सॉल्यूशन, पहले इस गिवन को सॉल्व कर लो तो ए 22 इज इक्वल 149। फॉर्मूला इज ए प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 149। यहाँ से ए 22 में से 1 गया 21 एंड पुट द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस इज 7 इज इक्वल 149। ए प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 149। 147 को राइट में ले जाओ, 149 माइनस 147 तो माइनस कर दो कितना आ जाएगा 2। तो ये फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 2। तो ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। अब देखो हमने फाइंड क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। एस एन का फार्मूला एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो कितने टर्म्स का टोटल करना है 22, तो एन की जगह 22 लिख दें। 22 डिवाइड बाय 2, टू पुट द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू 2 प्लस एन की जगह 22 माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 7। ओके बेटा, चलो इसके बाद 2 पर कट कर दो 11, 2 2 जा 4, 22 माइनस 1 इज 21 एंड 7 11 4 7 से मल्टीप्लाई 7 1 7, 7 2 जा 14 एंड 11 प्लस कर दो 151। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 11 1 जा 11 तो बाकी रह गए 1, 11 5 55 और 1 56, 5 11 और 5 16, तो 1661। दिस इज योर आंसर। क्लियर बेटा? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। देखो स्टेटमेंट 8 करें, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी। एपी की फर्स्ट 51 टर्म का सम फाइंड करके दिखाना है, एस 51 फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, और गिवन क्या है, हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर गिवन। ये सेकेंड टर्म गिवन है, ये थर्ड टर्म गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें गिवन सेकेंड टर्म इज 14 एंड थर्ड टर्म इज 18। सेकेंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है, 51 टर्म का सम फाइंड करके दिखाना है। तो ये क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्राई योर सेल्फ, ये क्वेश्चन आपने अपने आप कर लें। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 9th कराता हूँ बेटा। देखो स्टेटमेंट 8 करें, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। एपी की फर्स्ट 7 टर्म का सम 49 है एंड 17 टर्म का सम 289 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, तो पहली एन टर्म्स का सम फाइंड करके दिखाना है। तो यहाँ पे गिवन में लिख लेते हैं पहले, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, तो एस 7 इज 49 एंड सम ऑफ 17 टर्म इज 289, तो एस 17 इज इक्वल 289। फाइंड करके दिखाना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, एस एन फाइंड करके दिखाना है। एस 7 इज 49, एस 17 इज 289, फाइंड एस एन। क्लियर? तो सबसे पहले हम गिवन को सॉल्व कर लेते हैं, जो फाइंड करना है वो बाद में देखते हैं। ठीक है, एस 7 इज 49, एस 7 इज 289। चलो एस 7 का फॉर्मूला 7 बाई 2 टू ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 49। एस 17 फार्मूला 17 बाई 2 टू ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 289। क्लियर बेटा? तो यहाँ से 7 बाई 2 टू ए, 7 माइनस 1 इज 6D इज इक्वल 49। टेकिंग 2 कॉमन, 7 बाई 2 टू कॉमन ए, 2 3 जा 6D इज इक्वल 49,
बस टू कैंसिल, सेवन यहाँ पर मल्टीपल में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, तो ए प्लस थ्री डी इज इक्वल 49 डिवाइड बाई 7, 7 पर कट कर दो, 7 7 जा 49, तो ए प्लस थ्री डी इज इक्वल 7, क्लियर। अब इस तरफ ऐसे ही सॉल्व करें, सेकंड 17 बाई 2 2a, 17 माइनस 1 इज 16d इज इक्वल 289, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 17 बाई 2 टेकिंग 2 कॉमन a, 28 जा 16d इज इक्वल 289, 2 2 कैंसिल, 17 मल्टीपल में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, तो a प्लस 8d इज इक्वल 289 डिवाइड बाय 17, तो यहाँ पर ये 17 पर कट कर दो, 17 वन जा 17, 17 7 18 119, यहाँ पर आ जाए ए प्लस 8d इज इक्वल 17, क्लियर। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, 3d को राइट में ले जाओ, a इज इक्वल 7 माइनस 3d, पुट द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन, 7 माइनस 3d प्लस 8d इज इक्वल 17, 7 8 माइनस 3 इज 5d इज इक्वल 17, 7 को राइट में ले जाओ 5d, 17 माइनस 7 5d, 17 में 7 गया 10, 5 से डिवाइड कर दो 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना बन गया 2, इस d की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो a इज इक्वल 7 माइनस 3, पुट द वैल्यू ऑफ d 2, तो 7 3 2 जस 6, 7 माइनस 6 इज 1, तो ये फर्स्ट टर्म आ गई 1 और ये कॉमन डिफरेंस इज 2। अब हमने फाइंड क्या करिए, तो हम जो गिवन था हम जस्ट आप उसको सॉल्व करते जाएं तो आपकी ये फर्स्ट टर्म और ये कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो अब हमने फाइंड क्या करना था, यहाँ से एस एन यानी फर्स्ट एन टर्म का सम फाइंड करके दिखाना था, तो एस एन इज इक्वल एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ठीक है। पुट द वैल्यू, एस एन इज इक्वल एन बाई टू, पुट द वैल्यू ऑफ ए इज 1, एन माइनस 1 एज इट इज, पुट द वैल्यू ऑफ डी इज 2, एस एन इज इक्वल एन बाई टू टू, ब्रैकेट ओपन करो 2n माइनस 2, बोथ 2 कैंसिल, एस एन इज इक्वल एन बाई टू 2n, बोथ 2 कैंसिल, एस एन इज इक्वल n मल्टीप्लाई बाई n, n स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, क्लियर। देखो यहाँ पर क्या था, स्टेटमेंट को जरा ध्यान से समझो, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन ए पी इज 49, दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, ध्यान से देखो, एस 7 किसके इक्वल है, 7 स्क्वायर, एस 7 कितना है 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, एस 17 कितना है 289, 289 कितना होता है 17 स्क्वायर, ठीक है ना, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 289। अब एस एन किसके इक्वल है, एन स्क्वायर, अगर वो ये कहता कि एस 10 निकालो तो एस 10 किसके इक्वल हो जाता 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज 100, अगर वो कहता पहली 12 टर्म का सम करो तो कितना बन जाता 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर कितना हो गया 144, ठीक है ना। तो लेकिन उसने फाइंड क्या करना था, एस एन, तो एस एन कितना बन जाएगा एन स्क्वायर, ओके बेटा, क्लियर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, स्टेटमेंट रीड करो बेटा, शो दैट ए वन ए टू ए एन फॉर मैन ए पी, कह रहे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म एन एस टर्म, कह रहे ये मिलकर एक ए पी सीरीज बनाते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, ये प्रूव करके दिखा दो, वेयर ए एन इज डिफाइंड बिलो, ए एन हमारे पास गिवन है, ये फर्स्ट पार्ट है सेकेंड पार्ट है, मैं फर्स्ट पार्ट करा देता हूँ, सेकेंड पार्ट अपने आप करना है, ठीक है, ट्राई योर सेल्फ, जैसे मैं फर्स्ट पार्ट करूँगा ऐसे ही आप सेकेंड करना है, ठीक है। आल्सो फाइंड, पहले तो हमने ये बताना है कि ये एक एपी सीरीज है, आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस, पहले तो इसको एपी सीरीज प्रूव करना है और इसके बाद सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म फाइंड करना है, एस 15 निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट ए एन इज इक्वल 3 प्लस 4 एन, क्लियर, तो चलो एन की जगह 1 पुट कर दें तो वो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 3 प्लस 4 इंटू 1, तो ये 3 प्लस 4 कितना बन जाएगा 7, एन की जगह 2 पुट कर दो, ए 2 3 प्लस 4 2, ये 4 2 जा 8, 8 और 3 11, थर्ड टर्म इज 3 प्लस 4, एन की जगह 3 कर दो, 3 4 3 जा 12, 12 और 3 15, कंटिन्यू लाइक दिस, फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 7, सेकेंड टर्म इज 11 एंड थर्ड टर्म इज 15, कंटिन्यू,
फर्स्ट 7, सेकेंड टर्म 11, थर्ड टर्म 15। अब देखो अगर इसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम है तब तो ये एपी सीरीज है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी सीरीज नहीं है। अब इसमें डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 4, इसमें कितना डिफरेंस है 4, इसके अंदर डिफरेंस सेम आ रहे हैं, यहाँ लिखे कॉमन डिफरेंस आर सेम सो दिस सीरीज इज एपी, सो दिस सीरीज इज एपी। ठीक है, यहाँ लिखते हैं फर्स्ट टर्म इज 7, कॉमन डिफरेंस कितना है 4। ठीक है, अब उसने क्या कहा था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, पहली 15 टर्म का सम फाइंड करके दिखा दो। एस 15 इज इक्वल 15y2 2a+ 15-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से 15/2 पुट कर दो वैल्यू, a की जगह 7, 15-1 इज 14, पुट द वैल्यू ऑफ डी इज 4, 15/2 2 7 14, 14 को 4 से मल्टीप्लाई 56, यहाँ 15/2 इन दोनों का ऐड कर दो 6 और 4 10, 6 और 1 7, 2 पर इसको कट कर दो, 2 3 6 और ये 0। ठीक है, यहाँ 2 3 6 2 5 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 15 5 75 7, 15 3 45 45 और 7, 7 5 12 5, तो कितना बन जाएगा 52। ठीक है, 525, दिस इज योर आंसर। तो इसका सेकेंड पार्ट आपने अपने आप करना है, बिल्कुल सेम स्टेप कर रहे हैं जैसे हमने ये फर्स्ट पार्ट किया। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पार्ट देखोगे इस वीडियो का। ओके, थैंक यू।